शहीद उद्यम सिंह राजकीय महाविद्यालय में आज छात्र संघ के चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गए हैं। संपन्न कराने के लिए महाविद्यालय प्रबंधक मंडल व जिला प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त मात्रा में इंतजाम किए गए थे। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस का बंदोबस्त कॉलेज परिसर में किया हुआ था। छात्र संघ की कार्यकारिणी का चुनाव करवाया गया पीसफुल तरीके से और बहुत ही सद्भावना के साथ। इस सारे का सारा इलेक्शन प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई और इसमें हमने जो छात्र संघ की कार्यकारिणी है उसके जो इलेक्टेड सदस्य हैं उसमें अध्यक्ष के लिए निर्विरोध चुनी गई है प्रीति चौहान, क्योंकि ये पोस्ट लड़कियों के लिए रिजर्व हो गई थी और एससी के लिए रिजर्व हो गई थी, इसलिए इसमें एक ही कैंडिडेट थे जो कि निर्विरोध चुने। उपाध्यक्ष के लिए सोनिया देवी को चुना गया है, ये इलेक्टेड हुई है, वोट इसके लिए पड़ी है। सचिव के लिए सावन कुमार को चुना गया है और सह सचिव के लिए अली गाजी को चुना गया है। इसके साथ साथ कार्यकारी परिषद के सदस्य हैं पांच, हमने सेलेक्ट करने थे, उसमें सोनम, कामना, सुमन, किरणजीत और उमा देवी, ये पांच कार्यकारिणी के परिषद के सदस्य चुने। ये सारा जो हुआ है ये इलेक्शन प्रोसेस से, और इलेक्शन प्रोसेस हमारी 4:30 बजे के करीब कम्प्लीट हो गई है और ये सारा काम हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ और सबकी सहयोग से और सबके कार्य जो हुआ है वो सबके सहयोग से हुआ है।